हेलो स्टूडेंट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर मैथ्स क्लास होप यू ऑल आर हेल्दी एंड फाइन एट होम एंड डू स्टडीज एज वेल सो लेट्स कंटिन्यू आर स्टडीज बिफोर समर वेकेशन चैप्टर्स वी आर स्टडीड एंड द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी लेट्स टेक अ लुक समर वेकेशन से पहले हमने जिन चैप्टर्स को पढ़ लिया था और आज हमें जिन चैप्टर्स को पढ़ना है हम उन्हें देखते हैं हमने अपनी मैथ्स बुक के प्रियोडिक वन के सिलेबस पेन पेपर टेस्ट और एक्टिविटी और सब्जेक्ट एनरिचमेंट में जो पढ़ा है और जो पढ़ना है वो चैप्टर्स हैं हमने पेन पेपर टेस्ट में चैप्टर नंबर वन रिविज़न पढ़ लिया है चैप्टर नंबर थ्री नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर फाइव मल्टीप्लीकेशन एंड डिविज़न हमने इन चैप्टर्स को पढ़ के इनकी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज को सॉल्व किया है ये हमारे पेन पेपर टेस्ट के चैप्टर्स हैं हमने अपने एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर चैप्टर नंबर टू रोमन न्यूमरल्स को पढ़ा और इससे बेस्ड मैंने आपको एक्टिविटीज़ दी थी जो कि आपने की होगी आज हम अपने सब्जेक्ट एनरिचमेंट के चैप्टर चैप्टर नंबर फोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारा ये चैप्टर पेंडिंग था जो कि हमने समर वेकेशन के पहले नहीं पढ़ा था तो लेट्स बिगेन आवर चैप्टर नंबर फोर एडिशन एंड सब्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एडिशन वॉट इज एडिशन द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन करस्पॉन्ड्स टू पुटिंग टू और मोर स्मॉलर नंबर्स टूगेदर टू मेक अ लार्जर वन अ सिम्बल दैट वी यूज टू डिनोट द प्रोसीजर ऑफ एडिशन इज प्लस एडिशन में हम जिस सिंबल का यूज़ करते हैं उसे हम प्लस कहते हैं और एडिशन ऑपरेशन क्या होता है दो छोटे नंबरों को ऐड करने पे जोड़ने पे हमें उनसे बड़ा एक नंबर रिजल्ट मिलता है उसे हम एडिशन कहते हैं तो वट इज़ एडेंड वेन टू और मोर देन टू नंबर्स आर एडेड देन ईच नंबर इज कॉल्ड एंड एडेंड लुक at the example. 4,563 थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी थ्री एंड सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी नाइन ये दोनों नंबर एडेंट्स हैं जब हम एडेंट्स को ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट जो हमें मिलता है हम उसे सम कहते हैं यहाँ हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी टू क्लियर तो क्या डेफिनेशन हो गई सम की द रिज़ल्ट ऑपटेंड आफ्टर एडिशन इस कॉल द सम ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी टू जब हम एडेंट्स को ऐड करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है हम उसे सम कहते हैं आप एडेंट्स और सम की डेफिनेशन को अपने होमवर्क कॉपी में लर्न और राइट करोगे नौ अब हम आ जाते हैं आपके मैथ्स बुक के एक्सरसाइजेस पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सिक्स जो कि किस पे बेस्ड है एडिशन विदाउट कैरिंग सिंपल टाइप ऑफ एडिशन हम वंस के प्लेस से एडिशन को करना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर एट इज फोर प्लस फाइव नाइन नाइन प्लस जीरो नाइन टू प्लस फोर सिक्स सिक्स प्लस थ्री नाइन थ्री प्लस फोर सेवन सेवन प्लस टू नाइन सिक्स प्लस वन सेवन सेवन प्लस वन एट फाइव प्लस थ्री एट और सेवन को हमने एज इट इज लिख दिया ओके okay? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर थर्टीन दिए हुए नंबर्स को हम कॉलम में अरेंज करेंगे उसके बाद हम वंस के प्लेस से एडिशन को करना स्टार्ट करेंगे थ्री प्लस फोर सेवन सेवन प्लस वन एट एट प्लस वन नाइन नाइन प्लस जीरो नाइन फोर प्लस ज़ीरो फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट प्लस वन नाइन फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट प्लस वन नाइन थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस थ्री एट ज़ीरो प्लस सिक्स सिक्स और थ्री को हमने एज इट इज़ लिख दिया क्लियर ईजी नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर सेवन जो कि किस पे बेस्ड है एडिशन विथ कैरिंग अब हम कैरी के हेल्प से एडिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम कैरी नेक्स्ट कॉलम में ऐड करते जाएंगे नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन इज सिक्स प्लस टू एट एट प्लस फाइव थर्टीन थर्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी जीरो कैरी टू जीरो प्लस टू टू

फाइव प्लस फाइव टेन टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन ठीक है हमने लिख दिया अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया नौ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम जब भी कॉलम्स में नंबर को अरेंज करना होगा हम सबसे पहले वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक नंबर्स को अरेंज कर लेंगे उसके बाद एडिशन के प्रोसेस को करेंगे हम वंस के प्लेस से एडिशन को करना स्टार्ट करेंगे और कैरी को नेक्स्ट कॉलम में ऐड करते जाएंगे ठीक है बस सारे प्रोसेस को हमें बहुत केयरफुली करना है और हमें इसको करने के बाद चेक भी करना है कि किया हुआ सम हमने सही किया है या गलत किया है नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर एटीन हमने कॉलम में अरेंज कर लिया नाउ एट प्लस नाइन सेवनटीन सेवनटीन प्लस एट वाट वी गेट सेवेंटीन प्लस एट वी गेट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन थर्टी फोर फोर कैरी थ्री नाइन प्लस नाइन एटीन एटीन प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री थर्टी थर्टी प्लस एट थर्टी एट एट कैरी थ्री नाइन प्लस नाइन एटीन एटीन प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री थर्टी थर्टी प्लस एट थर्टी एट एट कैरी थ्री एट प्लस थ्री एलेवन एलेवन प्लस नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस एट थर्टी सेवन सेवन कैरी थ्री थ्री प्लस वन फोर इसी तरीके से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं वो हैं एडिशन विदाउट कैरिंग सिंपल एडिशन बेस्ड क्वेश्चन हैं तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर को ले लेते हैं तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम वंस के डिजिट को ऐड करना स्टार्ट करेंगे और उसके कॉलम के नीचे लिखते जाएंगे इसी तरह हम आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे सिक्स प्लस टू एट थ्री प्लस फोर सेवन फोर प्लस फाइव नाइन सेवन प्लस टू नाइन फाइव प्लस थ्री एट और सिक्स प्लस टू एट क्लियर नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेवन थ्री प्लस ज़ीरो हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर दोबारा मिलता है तो थ्री प्लस जीरो हमें क्या मिलेगा थ्री थ्री प्लस फोर सेवन ज़ीरो प्लस सेवन 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 प्लस टू नाइन सिक्स प्लस वन सेवन सेवन प्लस टू नाइन फोर प्लस फाइव नाइन फाइव प्लस टू सेवन और नाइन को एज इट इज़ हम लिख देंगे क्लियर इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर एट तक के क्वेश्चन को अपने बुक में सॉल्व करोगे और अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड देयर सम इन टाइप के क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करोगे बहुत ईजी है हम वंस टें हंड्रेड थाउजेंड और टेन थाउजेंड के कॉलम में नंबर को अरेंज कर लेंगे लिख लेंगे उसके बाद हम इनका एडिशन स्टार्ट करेंगे कहाँ से वंस के प्लेस से हम एडिशन स्टार्ट करेंगे क्लियर द एक्सरसाइज सेवन इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो एडिशन विथ कैरिंग पे बेस्ड है अब हम एडिशन किसके हेल्प से करेंगे कैरी के हेल्प से करेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर फाइव को ले लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे हम वंस के कॉलम के नंबर्स को ऐड करेंगे फिर टेंस फिर हंड्रेड देन थाउजेंड उसके बाद टेन थाउजेंड और कैरी को हम दूसरे कॉलम में ऐड करते जाएंगे चलिए हम ऐड करते हैं वंस के डिजिट को फाइव प्लस एट क्या मिलेगा हमें फाइव प्लस एट ऐड करने पे? थर्टीन थर्टीन प्लस वन फोर्टीन हम क्या लिखेंगे फोर लिख देंगे नीचे और कैरी वन कैरी वन कहाँ पे ऐड हो जाएगा टेंस के कॉलम में तो फोर प्लस कैरी वन क्या हो गया फाइव फाइव प्लस नाइन फोटीन फोटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी का हम क्या लिखेंगे जीरो और कैरी टू कहाँ चला जाएगा हंड्रेड के कॉलम में ठीक है तो नाइन प्लस कैरी टू क्या मिलेगा हमें एलेवन एलेवन प्लस फोर फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी टू अब हम क्या लिखेंगे टू और कैरी टू कहाँ चला जाएगा थाउजेंड के कॉलम में सिक्स प्लस टू एट एट प्लस सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन एटीन का हम क्या लिख देंगे यार एट और, और कैरी वन कहाँ चला जाएगा टेन थाउजेंड के कॉलम में एट प्लस वन नाइन नाइन प्लस टू इलेवन एलेवन प्लस टू थर्टीन अब हम थर्टीन को पूरा एज इट इज थर्टीन लिख देंगे क्योंकि इसके बाद हम कैरी को किसी दूसरे कॉलम में नहीं दे सकते ठीक है तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लिखते जाएंगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को नंबर ट्वेल्व आप कैसे सॉल्व करोगे सिक्स प्लस एट क्या मिलेगा हमें एट एड करिए वॉट वी गेट फोर्टीन प्लस एट ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी टू प्लस सिक्स वॉट वी गेट ट्वेंटी टू में जब हम सिक्स को एड करेंगे तो हमें मिलेगा ट्वेंटी एट तो हम क्या लिख देंगे एट कैरी टू नाइन प्लस टू 11 इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन और सिक्सटीन प्लस फाइव क्या मिलेगा हमें ट्वेंटी वन वन और कैरी टू एट प्लस टू टेन टेन प्लस वन इलेवन इलेवन प्लस नाइन ट्वेंटी और ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री थ्री लिख देंगे हम और कैरी टू टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस फाइव एट एट प्लस नाइन सेवेंटीन और सेवेंटीन प्लस सेवन what we get 24 4 carry 2 6 plus 2 8 8 plus 0 what we get 8 8 plus plus 8 what we get 16 6 carry 1 7 plus 1 8 or 8 plus 9 17 अब हम 17 को as it is लिख देंगे ठीक है इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस को अपने बुक में केयरफुली सॉल्व करोगे और क्वेश्चन नंबर थर्टीन से क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करोगे कैसे अभी हमने देखा था दिए हुए नंबर्स को हम कॉलम में अरेंज करेंगे उसके बाद एडिशन का प्रोसेस करेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और टेन थाउजेंड के कॉलम में अरेंज करके हम वंस के प्लेस से एडिशन को स्टार्ट करेंगे कैरी के आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे आप अपनी बुक में सॉल्व करोगे और अब दिए हुए क्वेश्चंस को अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करोगे नाउ और नेक्स्ट टाइम वी कंटिन्यू द सेम चैप्टर दैट्स ऑल फॉर टुडे।